Hey guys, I'm back again with a new lesson. In this lesson, we are going to learn 20 new English sentences which are used in our day-to-day life. So without wasting time, let's start the lesson with first sentence. इसके लिए मैं ही काफी हूँ. I am good enough for this. I am good enough for this. Next sentence है, यह समस्या तुम्हारी वजह से आई है. This problem has come up because of you. This problem has come up because of you. या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलेंगे. You are the root cause of all the troubles. You are the root cause of all the troubles. Root cause means मूल कारण या फिर main reason. नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करो. अब घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को छेड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो हम बोलते हैं आप एक दूसरे के साथ अच्छा रहा करो, या फिर अपनी बहन के साथ अच्छा रहा करो, उसको परेशान मत किया करो, उसको टीज मत किया करो, या फिर आपके भाई के साथ अच्छा रहा करो. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बी नाइस विथ योर सिस्टर या फिर बी नाइस विथ योर ब्रदर. फिर हम उनको ऐसा ही बोलते हैं कि उसे परेशान करना बंद करो, तो हम उनको बोल सकते हैं इंग्लिश में स्टॉप अनोइंग हर या फिर स्टॉप अनोइंग हिम. खुद के लिए बोलना हो कि मुझे परेशान करना बंद करो, वी कैन से स्टॉप अनोइंग मी. स्टॉप अनोइंग मी. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. जैसे हम बोलते हैं जो हो गया सो हो गया. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मीन्स जो हो गया सो हो गया. अब जाने दो, छोड़ो उसे, लीव इट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं आपके भले के लिए ये सब कर रही हूँ. आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेटरमेंट. आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेटरमेंट. मुझे गलत मत समझो. डोंट टेक मी रॉन्ग. डोंट टेक मी रॉन्ग. अदरवाइज हम इसे डोंट गेट मी रॉन्ग ऐसा भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, बेकार की बातें करना बंद करो. स्टॉप टॉकिंग ऑफ वर्थलेस. वर्थलेस मीन्स बेकार, यूजलेस, कैस्ट अवे. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम आज उखड़े उखड़े से लग रहे हो. उखड़े उखड़े मीन्स उदास. यू आर लुकिंग सलेन टुडे. यू आर लुकिंग सलेन टुडे. सलेन मीन्स उदास, ग्लूमी, हार्ट ब्रेकिंग, मेलकॉली, जॉयलेस. ये सब वर्ड्स सलेन के सिनोनिम्स हैं. जैसे कि हम पूछते हैं ऐसा क्यों, व्हाई सो, व्हाई सो. नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने घुटनों के बल बैठो. सिट ऑन योर नीज. सिट ऑन योर नीज. घुटनों को इंग्लिश में मैरो बोन्स भी कहा जाता है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है. It has nothing to do with you. It has nothing to do with you. Sentence है, जैसे कि हम बोलते हैं थोड़ा किसको, means थोड़ा side हो जाओ, तो इसे English में बोलते हैं move a bit. Move a bit. Next है, उसने मुझे सुनकर भी अनसुना कर दिया. He turned a deaf ear to me. He turned a deaf ear to me. Otherwise आपको ऐसा बोलना हो, उसने मुझे अनदेखा कर दिया. You can say he ignored me. Ignore means उपेक्षा करना या फिर ध्यान न देना, neglect जिसे हम कहते हैं, या फिर unconsider भी उसे कहते हैं. Next है, चाय को कप में डालो या फिर चाय कप में डालो. Pour the tea into the cup. Pour the tea into the cup. Next है, मैं अक्सर उसके घर जाती हूँ. I often go his home. I often go his home. Next sentence है, आप उसे हल्के में ले रहे हैं. जैसे कि हम बोलते हैं उसे हल्के में मत लो, महंगा पड़ सकता है. You are taking him lightly. You are taking him lightly. और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, वो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था. जैसे कि हम बोलते हैं वो तंगी में चल रहा था, मीन्स उसके पास पैसे नहीं थे. He was going through financial crisis. He was going through financial crisis.
गाइस ये थी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये सेंटेंसेस आपके डेली रूटीन में ज़रूर काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।